वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एजुकेशन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और आज आपके सामने में जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर एंड्रोसियम से। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक एंड्रोसियम को, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब स्क्रीन के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे अपलोड किए हुए वीडियो को आप सबसे पहले वॉच कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक एंड्रोसियम। तो फ्रेंड्स, एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, जो कंपोस्ट होता है, इसकी जो यूनिट होती है उसको स्टैमेन बोलते हैं। इसके बाद द ईच स्टैमेंस विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ स्टार्क, फिलामेंट और एंथर, यानी कि दो यूनिट होती हैं, एक तो स्टार्क और फिलामेंट होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो आपका थैलेमस होता है, एंथर होता है सॉरी। फिर इसके बाद ईच एंथर इज यूजली बाइलोड होता है एंड बायलोब्ड होता है, और साथ ही साथ में इसमें जो टू लोब्स होते हैं उनमें टू चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद पोलन सैक्स टू चैम्बर्स द पोलन सैक्स द पोलन ग्रैंस आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टाइल स्टेमन, इसको स्टेमनॉइड कहते हैं, यहीं पीएमटी में आ चुका है एक बार। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, अगला है कि स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर्स में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पीटल्स अमंग देमसेल्व्स व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड टू द पीटल्स दे आर कॉल्ड एपिपेटलस। तो एपिपेटलस की कंडीशन होती है ब्रिंजल में होती है, यानी कि स्टेमन जब पीटल से अटैच होगा, और जब जो एपिपेटलस व्हेन अटैच्ड टू पेरियंथ, जब एपी जो स्टेमेंस है ये जब पीटल से पेरियंथ से अटैच होगा तो उसको हम एपिफेलस बोलते हैं। तो जो एपिफेलस कंडीशन होती है ये लिली फ्लावर में पाई जाती है। द स्टेमेंस इन द फ्लावर्स में आइदर रिमेंस फ्री, जो फ्री होते हैं उनको पोलन डस्ट कंडीशन बोलते हैं, और मे बी यूनाइटेड वेरिंग डिग्री। द स्टेमेंस मे बी यूनाइटेड इनटू द बंच और बंडल्स, जब ये यूनाइटेड होंगे तो उनको मोनोएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। तो मोनोएडल्फस कंडीशन जो होती है चैनारोज में होती है, इसमें टू बंडल्स, जब दो बंडल्स होंगे तो उन्हें डायडेल्फस कंडीशन बोलते हैं, ये डायडेल्फस कंडीशन पी में होती है। फिर इसके बाद मोर देन टू बंडल्स आर यूनाइटेड होते हैं तो उसको पोलन डस्ट कंडीशन बोलते हैं, ये जो होती है पोलन की स्टेटस में होती है, ठीक है। दे मे बी वेरिंग्स इन लेंथ और द फिलामेंट विद इन फ्लावर्स एंड सेल्विया एंड मस्टर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शिव एजुकेशन फॉर द वॉचिंग फॉर द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो रिलेटेड वीडियो विच इज वेरी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द योर नीट एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।